स्टूडेंट्स, अभी तक हम इंटेंट्स के बारे में सीख रहे हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट को यूज़ करके डाटा को सेंड करना सीख लिया था। तो अब बात आती है इंटेंट की दूसरी टाइप, इम्प्लिसिट इंटेंट की। इम्प्लिसिट इंटेंट को हम यूज़ करते हुए एक कोड ऐप बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कोड ऐप बनाई है। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह की कोड ऐप बनाने वाले हैं। एक तो इसका लेआउट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक इसमें सबसे मेन फीचर ये है कि हम शेयर पे क्लिक करके अपने कोड को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी किसी सोशल नेटवर्क को हम यूज करके। तो स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट इंटेंट का मैं दोबारा से आपको ओवरव्यू देता चलूं कि हम जब भी इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू किसी चीज को सेंड करना होता है या किसी मैसेज को सेंड करना होता है, तो इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें आइडिया नहीं रहता कि नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी आने वाली है। हम यूजर पे छोड़ देते हैं, वो सेलेक्ट करता है नेक्स्ट एक्टिविटी और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ये जितने भी ऑप्शन आ रहे होते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही शो कर देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सभी पॉसिबल ऑप्शंस सामने नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोर्स ऐप को बनाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। मेरा नाम राणा ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह की कोड ऐप बनाएंगे, तो उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि इसमें हम करेंगे क्या। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक लेआउट बना हुआ नजर आ रहा है। तो पहले मैं आपको इसकी लॉजिक बता देता हूं कि हम इसमें क्या क्या काम करेंगे और ये हमारा काम किस तरीके से हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले एक इमेज व्यू लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट को यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरी लेआउट्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हम वर्टिकल करेंगे। तो हमें सारे व्यूज इस शेप में चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो सिंपल लीनियर लेआउट लेंगे, उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रख देंगे। सबसे ऊपर हम इमेज को रखवाएंगे, देन एक टेक्स्ट व्यू को रखवा देंगे, फिर एक टेक्स्ट व्यू और देन एक और टेक्स्ट व्यू है और नीचे बटन लगा हुआ है और इसके अंदर ये ड्रायबल राइट हमने लगा दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू के कॉर्नर्स राउंड आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो इसके लिए हम कस्टम बैकग्राउंड भी बनाएंगे। देन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे और लेआउट में थोड़ा सा जानकर देखते हैं कि ये स्टार्टिंग में एक इमेज व्यू लग चुका है। देन ये नीचे आप देख सकते हैं कि हमने एक और लीनियर लेआउट लिया है, उसको हमने ये देखें साइड से मार्जिन दे दिया है इन साइडों से। देन हमने ये वाला एक टेक्स्ट व्यू यूज किया है, देन ये और देन ये और ये। लीनियर लेआउट को यूज करने से हमारे ये सारे के सारे टेक्स्ट व्यूज और इमेजेस खुद ब खुद ही एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आज के ट्यूटोरियल में हम किस तरीके से लॉजिक को बिल्ड करके अपनी ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अब न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूं, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स वहीं पे जहां पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, मैंने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है, तो वहां पे मैंने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें दो फाइल्स मिल चुकी हैं, एक जावा की फाइल मिली है और एक हमें एग्जाम्पल की फाइल मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक इमेज चाहिए और एक ये वाला इमेज भी चाहिए। तो इन दोनों को हमारे पास होना जरूरी है। तो आप यहाँ से नाम पढ़ लीजिए, विलियम फॉल्कनर लिखा हुआ है। तो आप गूगल पे सर्च करके तो इस तरीके की इमेज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये वाले आइकन की बात आती है, तो ये भी आप फ्लैट आइकन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को भी लिया हुआ है और इस आइकन को भी। तो दोनों मेरे पास ये पीएनजी फॉर्म में है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करवाऊंगा और इसको पेस्ट करवा दूंगा इधर ड्रायबल में। तो सिंपली कंट्रोल सी करके कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली मैं ओके करूंगा तो मेरे पास ये दोनों इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे और फर्दर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हम चेंज करवा देंगे लीनियर लेआउट के साथ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में आऊंगा मैं और यहाँ पे सिंपली कंस्ट्रेंट लेआउट के मेन टैग को रिप्लेस करवा दूंगा लीनियर लेआउट के साथ। और देन इसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल हमें रखनी है, क्योंकि हमें व्यूज यहाँ टॉप से बॉटम फॉर्म में चाहिए। तो इसे मैं वर्टिकल यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। और देन स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि हमें इमेज का बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लैक दे देंगे।
उसके लिए बैकग्राउंड में आप जाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। हमने ब्लैक दिया है तो हम अपनी इमेज को ही फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से आपने आना है, इसको फुल आप कॉर्नर में कर दीजिए और यहाँ पे ओपेसिटी इसकी बिल्कुल राइट पे कर देनी है। ये टेक्स्ट व्यू फिलहाल फिजूल है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम दोबारा से डिजाइन फॉर्म में, डिजाइन में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें जरूरत है कि सबसे पहले हम एक इमेज को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इमेज को पकड़ करके हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी इमेज यहाँ पे देने वाले हैं, तो सिंपली हम इस इमेज को देंगे, ओके कर दूंगा। आपने स्टूडेंट्स ये मेक श्योर करना है कि जब आपने इन दोनों इमेजेस को ड्राइवल में पेस्ट करना है तो कोई स्पेस वगैरह ठीक है या कोई कैपिटल वर्ड आपने नहीं देना, या आपको मैं काफी बार ऑलरेडी भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे इसका मैं अब हाइट को सेट करूंगा स्टूडेंट, इसकी हाइट में फिलहाल 16 ही देने वाला हूं, तो इसकी हाइट में यहाँ पे 200 dB दे देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे 200 dB दे दी है तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज हमारे पास ठीक से फिट आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको मैं स्केल टाइप इसकी दे देता हूं ताकि हमें इमेज और अच्छा और क्लियर नजर आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं सेंटर क्रॉप कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमें ये इमेज और भी अच्छी फॉर्म में नजर आना शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट आपने इस इमेज में देखा होगा लेकिन आपको थोड़ा पता नहीं चला होगा, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन है, तो टॉप से मार्जिन देने के लिए हम इसी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसका मार्जिन यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट। तो मार्जिन देने के लिए लेआउट मार्जिन में जाएंगे और टॉप से इसको दे देंगे 4 dB का मार्जिन। ठीक है, तो इमेज ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब बारी आती है कि हम नीचे वाला काम कैसे करेंगे, मींस डैट के ये वाला काम अब कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए हम एक लीनियर लेआउट को लेंगे। उसको लेने की वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये बिल्कुल अलाइन है एक दूसरे के साथ, जबकि ये पूरी यहाँ पे इमेज आ रही है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लीनियर लेआउट एक और लेंगे और उसको आप मार्जिन लेफ्ट से भी दे देंगे और राइट से भी। तो अब ये काम करने वाले हैं हम, तो एक और लीनियर लेआउट हम यहाँ पे लगा देंगे जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल होनी चाहिए, वो यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेआउट आ गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका नीचे वाला सारे का सारा एरिया है। तो सबसे पहले मैं इसको मार्जिन दे लेता हूँ, मीन्स डैट के इसे अच्छी फॉर्म में कर लेता हूँ, देन जो भी अंदर काम करते जाएंगे वो सिंपली खुद ब खुद ही एडजस्ट होता रहेगा। तो इसको राइट और लेफ्ट से 20 dB मार्जिन दे देंगे और यहाँ पे इसे मार्जिन टॉप भी दे लेते हैं कि ऊपर से भी हमें मार्जिन चाहिए, तो वो मैं सिंपली 10 dB दे दूंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने लेआउट को एडजस्ट कर दिया है, तो अब बारी आती है अंदर वाले काम की कि अंदर वाले व्यूज को हम किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है टेक्स्ट व्यू की, तो हम टेक्स्ट व्यू को ही यूज करने वाले हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हम एक टेक्स्ट व्यू दे देंगे स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। तो दोबारा से मैं इमेज आपको दिखाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड हमारे पास कुछ शेप सी बनी हुई है एक, तो सेकेंड नंबर पे इसका टेक्स्ट का साइज भी काफी ज्यादा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये एक शेप बना लेते हैं, मीन्स डैट के बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल बनाते हैं, तो ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल में हम कोई भी कस्टम बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल हमने सेलेक्ट की, इसका नाम हम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू बैकग्राउंड, बीजी सिंपली लिख देता हूं बैकग्राउंड के लिए, और इसको मैं यहां पे ओके प्रेस कर दूंगा। जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमें एक और फाइल मिल चुकी है। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके हम टेक्स्ट वाली साइड पे आ जाएंगे, तो सिलेक्टर को हम रिप्लेस करवा देंगे शेप के साथ। शेप के साथ हम इसलिए रिप्लेस करवाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे शेप बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमने शेप यहाँ पे लिख लिया है, तो शेप के अंदर हम दो और टैग्स को यूज करने वाले हैं। एक तो हमें कॉर्नर चाहिए, लेकिन उससे पहले हम सॉलिड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सॉलिड इसलिए कि हमें जो बैकग्राउंड चाहिए वो बिल्कुल सॉलिड चाहिए, मीन्स डैट के हमें एक कलर चाहिए, तो कलर हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली कलर बनाने का जो तरीका है वही हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा कोई भी कलर, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये सारे का सारा एक कलर आ गया है। तो सॉलिड में यही काम होता है। अब नेक्स्ट आता है कि हमने ये वाले कॉर्नर को राउंड करना है और इस वाले कॉर्नर को राउंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉर्नर्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाना कभी ना भूलिएगा। देन यहाँ पे एक बॉटम के लेफ्ट साइड से हमें रेडियस चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, और वो चाहिए हमें 20 dB, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमें चाहिए टॉप के राइट का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ टॉप के राइट का हमें रेडियस चाहिए, वो भी कितना, 20 dB चाहिए। यहाँ पे जो कॉर्नर होता है उसे हम कॉर्नर के अंदर ये रेडियस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चार साइड पे होता है कॉर्नर, तो यहाँ पे हमें दो साइड पे कॉर्नर चाहिए, तो इसलिए हम टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट का सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर यहाँ पर देंगे। एक्टिविटी मेन में चलेंगे और इस टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड हम सेट कर देंगे जो हमने अभी बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बैकग्राउंड हमने टेक्स्ट व्यू BG के नाम से बनाया है, तो वही सिंपली हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी हमारे पास आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हम इसका टेक्स्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमने रैप कंटेंट यहाँ पे इसकी हाइड की हुई है, तो इसलिए ये छोटा आ रहा है। तो टेक्स्ट का साइज अब इंक्रीज करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो टेक्स्ट का साइज यहाँ पे 14 आ रहा है, तो इसको हम इंक्रीज करके कर देंगे 30 SP, और टेक्स्ट हमेशा हम SP फॉर्म में देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीच में टेक्स्ट विजिबल हो चुका है, तो अब इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दे देते हैं इसको टोटल 5 dB। पेडिंग किसी भी व्यू के इनसाइड मार्जिन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि हमने इसके अंदर लिखना क्या है, तो उसके लिए मैंने ये फाइल पहले से बना रखी है। तो विलियम फॉल्कनर यहाँ पे लिखना है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बीच में आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप हम टेक्स्ट का कलर देना चाहते हैं, क्योंकि कलर हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा हमें ब्लैक चाहिए टेक्स्ट, तो उसके लिए ब्लैक करेंगे। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट भी हमारा आना शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट अब बात आती है हम के बीच में कोड कैसे रखने वाले हैं। स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट हमें ट्रूथ कोड को यहां पे लिखना है, एक अंदर ये वाला कोड लिखना है, और देन हमें ये ग्रीन कलर चाहिए होगा। तो उसके लिए पहले स्टूडेंट हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसके अंदर हम इस कोड को सेव कर देंगे, और देन नीचे ये वाला कलर पहले बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले हमने कलर बनाना है, तो कलर वैल्यूज में जाएंगे और देन कलर्स में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कलर ऑलरेडी बना लिया है, तो ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कलर दे दूंगा, तो आपने वहां से इसे पेस्ट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। लेकिन वहां पे मैं ये हैश नहीं यूज करूंगा, तो हैश आपने यहाँ पे आकर के खुद से लगा लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ग्रीन कलर हमने बना लिया है, और एक हमें स्ट्रिंग चाहिए, मीन्स डैट के हमें टेक्स्ट भी लिखना है यहाँ पे। टेक्स्ट दूसरा हमने वहां पे हार्ड कोर ही देख लिया था, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग बना करके देंगे, और आपको स्ट्रिंग बनाना भी आ जाएगा। स्ट्रिंग हम ले लेंगे और इसका नाम हम रख लेते हैं कोड, ठीक है, क्योंकि हम कोड यहाँ पे देंगे। और सिंपली मैं इसको पेस्ट करूंगा इस कोड को यहाँ से, और इसको मैं ये इन दोनों टैग्स के सेंटर में पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि बीच में हमारे पास कोड आ गया है। एक और हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं स्टूडेंट, और उसके अंदर हम ट्रूथ कोड लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, ट्रूथ कोड। और यहाँ पे नेम भी उसका मैं ट्रूथ कोड ही दे दूँ, ट्रूथ कोड, और स्टूडेंट इसके सेंटर में इसको पेस्ट करवा दूंगा। तो स्टूडेंट इसका फायदा हमें ये होगा कि हमें मेन एक्टिविटी में ये जितना भी सारा बीच में टेक्स्ट आ रहा है ये लिखना नहीं पड़ेगा। हम जहां पे भी प्रोजेक्ट में चाहते हैं कि ये वाला काम करना है और ये वाला कोड लिखना है, तो सिंपली हम इनके नेम से वहां वहां पे कॉल करवाते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं चलता हूँ एक्टिविटी मेन में, यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लूंगा, और इस टेक्स्ट व्यू में हमने ट्रूथ कोड को लिखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आऊंगा टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू पे यहाँ पे मैं एट द रेट ऑफ लिखूंगा, स्ट्रिंग बीच में दे दूंगा ट्रूथ कोड, ठीक है स्टूडेंट। ये नीचे वाला ट्रूथ कोड हम देंगे, तो यहाँ पे नेम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका भी हमने टेक्स्ट कलर देना है, क्योंकि वो पिक्चर में हमें ग्रीन नजर आ रहा था, तो यहाँ पे सिंपली हमने ग्रीन कलर को बना लिया है, वही यहाँ पे दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं कि छोटा सा ट्रूथ कोड
लिखा हुआ नजर आना शुरू हो चुका है। तो लेकिन अब इसका साइज इंक्रीज हमने करना है स्टूडेंट, तो वो हम काम करेंगे। और स्टूडेंट्स एक और मजे की बात, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रुथ कोड का फॉन्ट भी कस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कस्टम इसका फॉन्ट भी देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट फैमिली में जाएंगे और हमें यहाँ पे एक और फॉन्ट चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे HALANT ये वाला फॉन्ट है, लेकिन ये बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसको ओके मैं कर दूंगा। तो फॉन्ट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फाइल बन चुकी है, इसमें ये फॉन्ट भी आ गया है और यहाँ पे भी ये फॉन्ट इसपे आ चुका है। स्टूडेंट्स अब बारी आती है कि हम इस ट्रुथ कोड को सेंटर में कैसे लेकर के आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम ग्रेविटी को यूज करेंगे, ग्रेविटी को यूज करेंगे और इसको कर देंगे सिंपली सेंटर, ठीक है। ये देख सकते हैं ट्रुथ कोड बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अब यहाँ पे एक ही काम रह गया है कि इसका हम टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करेंगे। तो चलेंगे इसके टेक्स्ट साइज और 14 आ रहा है तो इसको हम कर देते हैं 27 SP कर दिया। और इसको मार्जिन थोड़ा सा टॉप से दे देता हूँ स्टूडेंट, और मार्जिन टॉप स्टूडेंट इसको मैं दे दूंगा तकरीबन 8 dp। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हम जिस इमेज को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा लेआउट डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस कोड को लिखने वाले हैं, देन इस बटन पे काम करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स एक और हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पे चाहिए, तो इस टेक्स्ट व्यू की हमें आईडी भी चाहिए, ठीक है। आईडी हम टीवी कोड लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसकी आईडी हमने दे ली है तो इसके अंदर अब हम कोड को लिखेंगे। तो कोड सिंपली हम स्ट्रिंग वाला कोड यहाँ पे दे देंगे। इतना सा हम काम करेंगे तो बीच में टेक्स्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमें ये विजिबल नहीं है। विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें जो एंड्रॉइड स्टूडियो में टेक्स्ट का कलर मिलता है वो ब्लैक होता है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए यहाँ पे हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट, और इसको इसका टेक्स्ट जो है हमें वाइट मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं हमें ये इसका टेक्स्ट भी वाइट मिल चुका है। तो अब बारी आती है कि हम इसका थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि हम अभी कर लेते हैं। 14 SP हम कर देते हैं 18 SP का साइज, और देन पेडिंग थोड़ी सी से दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इनसाइड मार्जिन भी मिल जाए। चारों साइड से हमें चाहिए तो उसके लिए इस पैडिंग को हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर 5 dp भी दे देते हैं और इसके भी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, इसको कर देते हैं 3 dp पैडिंग इसकी कर देते हैं ताकि हमारा व्यू और ज्यादा अच्छा और खूबसूरत लगना शुरू हो जाए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट को यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा लेआउट अजीब भी नहीं लग रहा और लेआउट भी बहुत ही शानदार लग रहा है। तो स्टूडेंट अब बारी आती है बटन की। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बटन पे जाऊंगा और यहाँ पे एक बटन को सिलेक्ट कर लूंगा, सिंपली ड्रैग करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लूंगा। और स्टूडेंट इसका बैकग्राउंड सबसे पहले दे देता हूँ। बैकग्राउंड हमें ग्रीन चाहिए, ठीक है, वो हमने कलर ऑलरेडी बना लिया है तो सिंपली हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बटन आ गया है। स्टूडेंट आप यहाँ पे आप बटन में देख सकते हैं कि एक हमने इसमें टेक्स्ट देना है शेयर ऑप्शन, और एक इसके अंदर हमने इमेज को इंसर्ट करवा देना है। तो आइए अब ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट दे लेते हैं, टेक्स्ट हमने देना है शेयर, शेयर ऑप्शन। तो स्टूडेंट जब यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो हमने इस कोड को शेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे कि हमने बटन के अंदर ही इमेज को देना है, राइट साइड पे इमेज को देना है, तो ड्राइबल राइट को यूज करेंगे। ड्राइबल राइट में यहाँ आएंगे और हम शेयर का आइकन जो हमने पेस्ट करवाया था वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का कलर ब्लैक है जबकि हमें इसका कलर व्हाइट चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ड्राइबल टिंट का एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने टिंट सर्च किया तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम चलेंगे टेक्स्ट वाली साइड पे इस बटन में ही आएंगे और यहाँ पे हम टिंट को यूज कर लेंगे। समटाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई एट्रीब्यूट डिजाइन में नहीं आता, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट वाली साइड पे आना है और यहाँ पे ड्राइबल टिंट को दे देना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर व्हाइट हो चुका है। तो यहाँ पे आप हम टेक्स्ट कलर भी व्हाइट करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर भी हैश के साथ ट्रिपल एफ जो होता है ये व्हाइट होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी हो चुका है। तो देन अब हमने क्या करना है कि इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, टेक्स्ट साइज को, और टेक्स्ट साइज को हम कर देते हैं
18 SP। तो स्टूडेंट अब बारी आती है पेडिंग की। हमें चाहिए कि ये वाला जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट बटन में ये सेंटर में होता है, हमें ये लेफ्ट पे चाहिए और इसके राइट साइड पे मींस इस साइड पे भी थोड़ी सी मार्जिन चाहिए। तो दोबारा से हम डिजाइन में ही चलेंगे स्टूडेंट। तो इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेडिंग को यूज करेंगे। पेडिंग में आएंगे स्टूडेंट और हमें राइट से चाहिए और लेफ्ट से चाहिए, दोनों साइड से हम पेडिंग दे देंगे और दोनों साइड से हम 10 dB लेफ्ट से और 10 dB राइट से पेडिंग दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने इस टेक्स्ट को सेट करना है, तो उसके लिए हम ग्रेविटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी लिखेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर वर्टिकल और लेफ्ट को। ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे ये बटन चाहिए, तो यहाँ पे इसे सेंटर वर्टिकल करेंगे ताकि इस ये चीज होती है वर्टिकल और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें ये चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट। तो अब बारी आती है कि हमने मार्जिन ही अभी तक दिया कि लेआउट ये इतना खाली बचेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका हम मार्जिन दे देते हैं। अपने अपने फोन के हिसाब से ये मार्जिन देना है स्टूडेंट। ठीक है, अगर किसी का फोन बिल्कुल ही छोटा है तो वो स्क्रॉल व्यू को यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल व्यू को यूज करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और यहाँ पे मार्जिन जो हमने सिंपली 20 dB देना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा नीचे आ गया है तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। देन इसकी अब हमने बैकएंड कोडिंग करनी है, वो हमने करनी है शेयर ऑप्शन पे। ठीक है, तो इसका नाम भी हम BTN शेयर मीन्स डैट की इसकी ID हमने BTN शेयर दे दी है और इसकी ID हमने TV कोड दे दी है। स्टूडेंट फ्रंट एंड का हमारा जितना भी काम था वो हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जिस तरह का हमें लेआउट चाहिए था बिल्कुल वैसा ही एक्यूरेट एग्जैक्ट लेआउट हमने बना लिया है। तो स्टूडेंट अब हमने बैकएंड का काम करना है, तो बैकएंड के लिए हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। ठीक है, मेन एक्टिविटी के बैकएंड में अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो करते हैं व्यूज को इनिशियलाइज करवाते हैं, देन इनको फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ID। ठीक है, तो एक हमें बटन पे काम करना है, तो बटन का नाम है शेयर। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने किसको सेंड करना है कोड को, और वो किसके अंदर है टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसका नेम सिंपली कोड ही रख देंगे। तो अब स्टूडेंट हम शेयर यहाँ यूज करेंगे और फाइंड करवा देंगे व्यू को विद रिस्पेक्ट टू ID r.resources में गए, देन हमने ID को सिलेक्ट करना है और वो हमें चाहिए यहाँ पे शेयर बटन की। ठीक है स्टूडेंट, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूंगा यहाँ पे कोड को, कंट्रोल C करके कॉपी यहाँ पे पेस्ट करवा दूंगा। और यहाँ पे हमें ID चाहिए कोड की, TV कोड के नाम से हमने ली थी, वो हमारे पास आ चुकी है। स्टूडेंट यहाँ पे बैकएंड की कोडिंग की थोड़ी लॉजिक समझिएगा कि हम जब इस शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाले कोड को लेना है और इसको हमने सेंड करवा देना है। तो मीन दैट सबसे पहले हम शेयर पे ऑन क्लिक लिस्टर लगाने वाले हैं। शेयर डॉट ऑन क्लिक लिस्टर हम यूज करेंगे। ऑन क्लिक लिस्टर न्यू, यहाँ पे आप V भी लिख सकते हैं, कैपिटल O भी लिखेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये शेयर है, इस पे क्लिक करवाना है हमने और बीच में कोड को सेंड करवाना है। कोड जो हमारे पास है ये हमारे पास स्ट्रिंग में है, मींस डैट के ABC की फॉर्म में है, तो जावा के अंदर उसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर हम शेयर वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और कोड वाली टेक्स्ट व्यू में है उसको लेंगे और उसको हम गेट करेंगे उस टेक्स्ट को। ठीक है स्टूडेंट, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स यहां तक हमने टेक्स्ट व्यू को फाइंड व्यू बाय ID करवा लिया था, अब टेक्स्ट व्यू के अंदर जितना भी यहां पे टेक्स्ट आ रहा है उसको हमने स्ट्रिंग में ले लिया है, मींस दैट के शेयर टेक्स्ट में ले लिया है। तो अब मैंने आपको इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए 3-4 चीजें बताई थी, एक हम डाटा था, एक एक्शन था, ठीक है कैटेगरीज था, तो वो मैं आपको ऑलरेडी ट्यूटोरियल में बता चुका हूं, तो आप उस ट्यूटोरियल को जरूर देखें ताकि आपको आइडिया रहे कि इंटेंट्स में किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ I के बटन पे आपने क्लिक करना है और आपने उस ट्यूटोरियल को जरूर देख लेना है स्टूडेंट्स। और इससे पहले मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट भी करवा चुका हूँ तो वो ट्यूटोरियल भी आप जरूर देख लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इंटेंट को यूज करेंगे क्योंकि हमने सेंड करना है टेक्स्ट को, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इंटेंट को ही यूज करेंगे और सिंपली इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन उससे पहले हम इसका नेम रख लेते हैं सेंड इंटेंट, और न्यू का कीवर्ड हम यूज करेंगे और इंटेंट को साथ में
यूज कर लेंगे और एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे। और स्टूडेंट्स इंटेंट में तीन चार चीजें यूज होती हैं, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो हम इसी इंटेंट को यूज करेंगे, सेंड इंटेंट को। और यहां पे सबसे पहले हम एक्शन की बात करेंगे कि हमने एक्शन कौन सा यूज करना है, सेंड का। क्या हमने एक्शन सेंड का यूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटेंट को लेंगे डॉट। आप देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस आना शुरू हो चुके हैं, तो हमने अपने कोड को क्या करवाना है, सेंड करवाना है। तो यहाँ पे हम एक्शन अंडरस्कोर और सेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइप्स के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली सेंड को यूज कर लेना है। स्टूडेंट्स इम्प्लिसिटली टेड के थ्रू हम मल्टीपल काम करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है। तो हमने यहाँ पे सेंड करवाना है, तो इसलिए हम सिंपली एक्शन सेंड को यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने टाइप यहाँ पे सेट करनी है, तो उसके लिए भी सेम वही सिंटैक्स रहेगा। हम इंटेंट को लेंगे और उसके अंदर हम सेट कर देंगे टाइप को, ठीक है स्टूडेंट। कि हमने जो चीज भेज रहे हैं वो हम क्या भेज रहे हैं, टेक्स्ट को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हमने देनी है, तो वो हम डबल कोट्स के अंदर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेंड करना है, और टेक्स्ट कौन सा है, प्लेन, PLAIN। यहाँ पे आपने स्पेलिंग का ध्यान अच्छे से रखना है क्योंकि कोई एरर ना आए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ से आपको कोई ऑटोमेटिक सजेशन नहीं मिलेगी, इसलिए आपने ये स्पेलिंग याद ही करने होंगे, और आपने मेक श्योर करना है कि ये स्पेलिंग ठीक से लिखें। और स्टूडेंट जिस तरह हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट में पुट एक्स्ट्रा को यूज किया था, सेम यहाँ पे भी हम पुट एक्स्ट्रा को ही यूज करेंगे, वो भी इंटेंट के साथ। पहले इंटेंट को यूज करेंगे, फिर हम पुट एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने सेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमने स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम वो वाला पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए स्ट्रिंग नेम है और वैल्यू भी इसकी स्ट्रिंग ही है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे पास स्ट्रिंग में है। और यहाँ पे हम इंटेंट लेंगे स्टूडेंट, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट को यूज करेंगे क्योंकि हम टेक्स्ट को सेंड कर रहे हैं। आप पैकेज नेम जो कुछ भी यहाँ पे चाहे सेंड करवा सकते हैं स्टूडेंट। तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक सिंपल कॉमा लगा देंगे, और इसके अंदर हम इस शेयर टेक्स्ट को दे देंगे क्योंकि हमने इस टेक्स्ट को सेंड करना है, शेयर टेक्स्ट को हम दे देंगे। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेंट में यूज होने वाले सारे के सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ एक काम रह गया कि अभी तक हमने स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इंटेंट को पास नहीं करवाया। स्टूडेंट सिंपल हम यहाँ पे ये वाली एक लाइन का काम कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे एक्टिविटी को और उसके अंदर पास करवा देंगे हम ये वाले इंटेंट को, और इतना सा करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस आइकन ग्रीन आइकन पे क्लिक करना है, आपने एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो स्टूडेंट वहीं पे मिलते हैं जहां पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन रन हो चुकी है, जिस तरीके की हमने लेआउट बनाई सेम वैसी ही नजर आ रही है। एंड्रॉइड स्टूडियो की लेटेस्ट अपडेट में एक्शन बार और स्टेटस बार, ठीक है, इन दोनों के कलर जो थे वो एंड्रॉइड स्टूडियो ने ही चेंज कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स उससे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर आ रहे थे, तो यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे अब हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए आप इसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हमने जो डिजाइन बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले जो हम डिजाइन देख रहे थे उसके अंदर ये वाली जो एक्शन बार आपको नजर आ रही है ये नहीं थी, तो उसको हम रिमूव कर देंगे और इसका ये जो कलर है ये भी हम चेंज कर देंगे, हम ग्रीन कलर का कर देंगे ताकि ये बिल्कुल ओवर लग रहा है कि लग ही नहीं रहा कि ये इस ऐप के कलर है। तो कंट्रास्ट अच्छा बनाने के लिए हम ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहले हम एक्शन बार को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए एक लाइन का कोड है, गेट स्पोर्ट एक्शन बार यहाँ पे आपने लिखना है और डॉट कर देना है हाइड, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल इतना सा काम करने से एक्शन बार हाइड हो जाएगी। लेकिन अब हम दोबारा से कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे कलर हम ग्रीन को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा से मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारी कोड है बिल्कुल एक्यूरेट और 100% अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर भी हमारा चेंज
हो चुका है और नीचे जो एक्शन बार आ रही थी वो भी रिमूव हो चुकी है। अब मैं शेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जो हमने कोड को सेंड करवाया है वो देखेंगे कि वो सेंड हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। शेयर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, आगे मुझे व्हाट्सएप नजर आया, फिंगरप्रिंट लॉक मेरा लगा हुआ है वो मैं लगाऊंगा और देन मैं नीट रूट्स टैग को सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको सेंड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको मेन एक्टिविटी को ओपन करके दिखाता हूँ। ट्रूथ कोड को मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेवर बी अफ्रेड टू रेज योर वॉइस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम चीज आ रही है, नेवर बी अफ्रेड टू रेज योर वॉइस, और यहाँ पे एंड तक सेम वही चीज आ रही है। इसको आप सेंड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमें काफी एप्स में देखने को मिलता है, इवन के हमने किसी चीज को सेंड करना होता है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप शेयर करवाना चाह रहे हैं, इवन के आप अपनी ऐप का पैकेज भी सेंड करवा सकते हैं, जिस तरह काफी एप्स में आता है कि शेयर और देन पैकेज नेम आपका सेंड हो जाता है, साथ में मैसेज आ जाता है कि डाउनलोड दिस ऐप। और उसके अलावा भी हमें ये इंटेंट काफी जगह पे यूज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट कोड ऐप में जितना काम होता है वो मैंने आपको करना सिखा दिया है। अब आप इस ऐप को जितना चाहे रिफाइन कर सकते हैं और इसको बेटर बना करके प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि मैंने इंटेंट के बारे में आपको जितना बताया था वो सारे का सारा आपको आइडिया हो चुका है। इससे पहले भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं इंटेंट पे, वो भी आप जरूर देखें। देन एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं और एक कामयाब एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को अपने पास सेव जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज के ट्यूटोरियल में आपको सीखने को मिला होगा। तो स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट नीचे अच्छे से जरूर कीजिए। ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगता है तो नीचे अप्रिशिएट कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से मैं और ऐसे फ्री ट्यूटोरियल्स बनाता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर 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 नीट रूट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।